हाय मेरे दोस्त, मैं रोहित राज आप लोग को आज रीजनिंग बताऊंगा। तो आज देखिए, आप लोग रीजनिंग बनाइए, कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में। आप लोग का स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया होगा, ट्राई कीजिए, आप लोग बनाइए। चलिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए, आप लोग से बन गया होगा। हम लोग जानते हैं कि कपड़ा से क्या बनता है, आइए देखते हैं। कपड़ा के अंदर मेरे पास शर्ट हो जाएगा, ठीक है, और कपड़ा के अंदर क्या हो जाएगा बोलिएगा, पैंट, कोई दिक्कत? तो मेरा किस ऑप्शन में मिल रहा है, आइए बताइए, बोलिए। ऑप्शन नंबर मेरा एक सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे दे दिया गया होगा, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर दो आप लोग को दिया गया है, एक मिरर के इस साइड कोई वस्तु धरा गया है, ठीक है, तो मिरर के अपोजिट किस प्रकार का फिगर बनेगा बताइए, ठीक है। मिरर के सामने एक वस्तु है तो मिरर में किस प्रकार का फिगर बनेगा बताइए। देखिए, इस प्रकार का फिगर किस प्रकार का बनेगा बताइए। जो मेरा यहाँ पे है, ये जो मेरा इस साइड है मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखिए ऐसा किस प्रकार का फिगर बन रहा है। तो हम लोग एक कैसे ले लिए, ठीक है, चौकुट, कोई दिक्कत? इसमें ऐसे पार लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसमें इस प्रकार से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले थे, जैसे ऊपर लाइनिंग ऐसे ऐसे है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, बोलेगा ठीक है हो जाएगा। नीचे में देखिए, मेरा लाइन ऐसे ऐसे है तो किसी में इस प्रकार से बन रहा है, देखिए तो, बोलेगा नहीं। इधर बन रहा है इसमें कहीं, नहीं। इसमें बन रहा है, बोलेगा नहीं, मेरा इसमें बन रहा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही जवाब। इस प्रकार से ऐसे 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 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आप लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, इस जगह पे क्या फिलफिल होगा बताइए, इस जगह पे इन चारों में से क्या होगा, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या होगा जो बताते हैं। इस प्रकार का एक चौकुट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, उसमें मेरा इस प्रकार से एक लाइनिंग हो जाएगा, बोलेगा हाँ हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा मेरे पास, बोलेगा हाँ हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में सर्किल के बाद इस प्रकार का एक लाइन है, कोई दिक्कत? ऊपर में कहीं भी है उस प्रकार का लाइन, देखिए तो, बोलेगा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा कट गया। देखिए इसमें भी सर्किल के बाद इस प्रकार का एक लाइन है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें इस प्रकार का ऐसे है बना हुआ, ठीक है, इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन, ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए ये पिक्चर कट गया, ऑप्शन हो जाएगा तीन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया है, बोल रहा है आपके सामने, आप लोग देखिए बनाइए। चलिए बोला गया है आपके सामने, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा बोला गया है क्या, बी ई ए सी एच, ठीक है, बी ई ए सी एच को लिखा जाता है किस प्रकार, डी एच बी ए, उसके बाद क्या लिखा जाता है बोलिएगा ई, तो बताइए। जैसे कि इस प्रकार लिखा जा रहा है, एफ ई भी ई आर, फीवर को लिखा जाता है क्या बताइए, एच एच डब्ल्यू सी ओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए मुझसे क्या, किस चीज़ का मान पूछ रहा है, बोलिएगा जे ओ आई एन टी, कोई दिक्कत? यहाँ पे आई है। चलिए देखिए, तो हम लोग आपके सामने बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए बी से बढ़ रहा है डी, कितना बड़ा, बोलिएगा दो बड़ा, तो हम लोग जे से दो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा जे से दो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एल। फिर देखिए, ठीक है, ई से मेरा हो रहा है एच, कितना बढ़ रहा है, बोलिएगा तीन बढ़ रहा है, मेरा 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिएगा आर 18, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में देखिए,
ए से बी हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बताइए आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा मेरे पास जे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए मेरे पास यहाँ सी से ए हो रहा है माइनस दो, सी से ए हो रहा है माइनस दो, मेरे पास एन से माइनस होगा, 14 में दो जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 में क्या है एल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 12 में एल है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है देखिए, फिर हो रहा है क्या बोलिएगा, एच से माइनस हो रहा है 3, फिर मेरे यहाँ से टी से माइनस हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा क्यू, कोई दिक्कत, मेरे पास क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे पास किस ऑप्शन में मिल रहा है, एल आर जे एल क्यू, एल आर जे एल क्यू ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास मिल रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, जिस प्रश्न में ये आकृति बन रहा है वो इन चार में से कौन है, बताइए। तो आइए हम लोग कहाँ थे, चलिए बताइए, बोला गया है इस फिगर में कौन सा आकृति बन रहा है, बताइए इन चारों में से किस में ये आकृति बन रहा है, बताइए। तो इसमें बन रहा है तो आप लोग बोलिएगा नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है बोलिएगा नहीं बन रहा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कौन सी आकृति बन रही है, चलिए इसमें बन रही है बोलिएगा नहीं। देखिए तो यहाँ ये लाइन जो गया, ये लाइन ऐसे हो गया, उसके बाद इस प्रकार हो गया यहाँ पे, उसके बाद इस प्रकार हो गया यहाँ पे नीचे आ गया, कोई दिक्कत, इस प्रकार से बन रहा है मेरा, देखिए हो गया ऑप्शन नंबर कितना 4 डी। नेक्स्ट जाइए, लिखा गया है क्लियर को, ठीक है क्लियर को लिखा गया EMGBT, क्लियर को EMGBT लिखा गया, ठीक है क्लियर को EMGBT लिखा गया है, क्लियर को EMGBT लिखा गया है, तो बताइए आगे किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए आप लोग को सामने मैं बना रहा हूँ, देखिए सी से ई बढ़ा कितना बढ़ रहा है, सी से ई बढ़ा कितना बढ़ रहा है बताइए, सी से ई बढ़ रहा है कितना बढ़ा, सी से ई बढ़ रहा है कितना, 2 बढ़ रहा है, टी से मेरा 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा बताइए, टी से 2 बढ़ेगा मेरे पास आना चाहिए भी, भी देखिए और कोई ऑप्शन में नहीं, मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिए किस में ये आकृति बनेगी, बोला गया है मैंने एक पेपर लिया, ठीक है एक पेपर ले लिया, उसके बाद आधा से मैंने ऊपर से इस प्रकार फोल्ड कर दिया, उसके बाद आधा से फोल्ड करने के बाद मेरा पेपर कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है उसके बाद आधा से मैं फिर इस प्रकार फोल्ड कर दिया गया, उसके बाद मेरे पास इस प्रकार का पेपर हो गया, बीच में इस प्रकार का मैंने कट किया, उसके बाद एक कॉर्नर में यहाँ पे एक प्रकार कट किया, तो क्या होगा जब पेपर हम खोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है पेपर जब आप खोलिएगा तो एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा और कॉर्नर पे इस प्रकार से सर्किल बन जाएगा, ठीक है देखिए किस ऑप्शन में ये बन रहा है मेरे पास फिगर, बोलिएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास सही हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है पदक पुरस्कार है, पदक पुरस्कार है, पदक पुरस्कार है, क्या बोलिए सभी पुरस्कार पदक नहीं हैं, बोलिए सभी पुरस्कार पदक होते हैं नहीं, क्योंकि कुछ पुरस्कार पदक नहीं भी होते हैं, बोलिए दूसरा में बोला गया है सभी प्राप्त पदक जो भी हमको मिलता है, कोई भी मान लिया हमको पदक मिला चाहे कुछ भी मिला मेडल वगैरह तो हमको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार कहलाता है, बोलिएगा हाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर बोला गया है, आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आप लोग देखिए, चलिए बताइए क्या बोल रहा है जो आपके सामने है, सॉल्व कीजिए और देखिए क्या होता है, बताइए आप लोग, चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए, मैं आपके सामने बैठकर सॉल्व करता हूँ। बोला गया है क्वेश्चन में अलग अलग रैंक के रक्षाकर्मी कैप्टन कर्नल एडमिरल कमांडो
सभी हैं, ठीक है। सभी एक बस के लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बस के लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए देखिए, बोला गया है, क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़िए। अलग रैंक के रक्षाकर्मी, मेजर, कैप्टन, कर्नल, एडमिरल, कमांडो बस के अंतिम सीट पे बैठे हुए हैं। बस के अंतिम सीट पे मेरे पास कितना सीट होता है, बोलिएगा पांच। लिखा गया पांच अलग अलग सामने। उसके बाद बोला गया, लेकिन क्या मेजर कमांडो के ठीक बाएं है। मेजर कमांडो के, कमांडो को हम किस चीज़ से दर्शाएं बताइए। सी से तो कैप्टन दर्शा देंगे, कमांडो को हम लोग के से लिखते हैं, ठीक है। बोला गया मेजर कमांडो के ठीक बाएं ओर बैठा है, लेकिन, लेकिन बोले थे हम, लेकिन किंतु परंतु किसके लिए होता है, दूर के लिए। लेकिन, लेकिन किसके लिए होगा बताइए, लेकिन हो जाएगा मेजर के लिए, लेकिन हो जाएगा मेजर के लिए। मेजर मेरे पास विंडो सीट पे नहीं होगा, मेरे पास मतलब मेजर के बगल में लेफ्ट साइड कोई एक बंदा जरूर होगा। जब ये विंडो सीट पे नहीं है तो इधर भी एक सीट होगा। यहाँ मेरे पास चार आदमी बैठ चुका है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद क्या बोला है पढ़िए। विंडो सीट पे नहीं है, एडमिरल एक विंडो सीट पर है। कौन? एडमिरल एक विंडो सीट पर है। एडमिरल और मेजर के बीच कोई व्यक्ति नहीं है, तो मेजर यहाँ है तो मेरे पास एडमिरल यहाँ हो जाएगा, बोलिएगा हो जाएगा। एडमिरल और मेजर के बीच कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा इस साइड हो गया विंडो सीट, आ गया विंडो यहाँ पर, आ गया खिड़की, आ गया यहाँ, हो गया तीन आदमी हो गया, तो यहाँ चौथा एक सीट यहाँ होगा, इसके पास एक खिड़की होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा इस प्रकार के बस बन गया। चलिए उसके बाद क्या बोला गया आइए। कर्नल विंडो सीट पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बताइए। कर्नल विंडो सीट पे नहीं है, चलिए बताइए। कैसे हम क्या दर्शाए थे बताइए, कमांडो दर्शाए थे, तो कर्नल विंडो सीट पे नहीं है, कैसे कमांडो मेरे पास हो गया, एक कर्नल भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कमांडो है, कमांडो हम यहाँ पे दर्शाए थे, यहाँ पे कर्नल नहीं होगा इस जगह पे, जो है इस जगह पे कर्नल नहीं होगा, कर्नल नहीं होगा, ठीक है। इस जगह पे कर्नल नहीं होगा, यहाँ पे कर्नल नहीं होगा, तो मेरा कर्नल इस जगह पे आ जाएगा। देखिए तो कर्नल इस जगह पे आ जाएगा, कर्नल जब मेरा इस जगह पे आ गया कर्नल, तो यहाँ पे कौन बचेगा, यहाँ पे बोलिएगा कौन बचेगा, बोलिएगा आप लोग एक कौन बच रहा है, बोलिएगा कैप्टन, कोई दिक्कत, कैप्टन बच रहा है, ठीक है। कैप्टन मेरा इस जगह पे हो गया, इधर कैप्टन लास्ट सीट पे हो गया, इधर कौन हो गया, बोलिएगा इधर कौन हो गया बताइए, एडमिरल, एडमिरल यहाँ पे हो गया, कैप्टन यहाँ पे हो गया, बीच में ये तीन बैठ गए। चलिए पूछा गया बीच वाली सीट पे कौन है, तो यहाँ हो गया एक दो, ठीक है। तीन पे कौन हो गया, तीन पे हो गया, बोलिएगा यहाँ हो गया तीन नंबर सीट, तो हो गया कौन बताइए, कमांडो, तीन नंबर पे कमांडो बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे ये रहा। बोला गया है एक्स ऊपर के स्थान से कितना नंबर पे, बोलिएगा 11 नंबर पे है। एक्स ऊपर के स्थान से 11 नंबर है, और एक्स ऊपर के स्थान से 11 नंबर, और नीचे से कितना नंबर पे है, नीचे से कितना नंबर पे है, नीचे से मेरे पास 30 नंबर पे है, ठीक है, नीचे से 30वां नंबर पे है। चलिए तो छह छात्र ने परीक्षा नहीं दिए, चार इनमें से अतीर्ण हो गए, कक्षा में कितने छात्र हैं, चलिए बताइए। ये क्या दिया है, उत्तीर्ण का रैंक दिया, ना कि स्थान का रैंक है, ये उत्तीर्ण का रैंक दिया हुआ है, ठीक है। नीचे से एक इतना स्थान पे है, ऊपर से 11 स्थान पे, और छह छात्र परीक्षा नहीं दिए, चार अनुत्तीर्ण हुए, तो कितना हो जाएगा बताइए। ये जो x का रैंक है, ऊपर से भी गिना जा रहा है और नीचे से भी गिना जा रहा है, टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा, 41 प्लस 6 को नहीं दिया और 4 को उत्तीर्ण हुआ, मतलब टोटल 10 छात्र और थे, हो गया कितना, 51 माइनस 1 हो जाएगा कितना टोटल स्टूडेंट, क्योंकि एक 1 इसलिए घटाएं क्योंकि x दो बार गिना जा रहा था,
हो जाएगा मेरे पास आंसर 50। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। दिया गया है, देखिए आप लोग के सामने मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है क्या बोलिए, 64 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे दिया गया है 4, कोई दिक्कत। दूसरी ट्रायंगल में बना रहा हूँ इस प्रकार, यहाँ पे दिया गया कितना 216, यहाँ पे क्या दिया गया 3, यहाँ पे क्या दिया गया 9, ठीक है। आइए सामने में बनाता हूँ आपके सामने, देखिएगा 8 और 4 का गैप कितना है बोलिएगा 4, कोई दिक्कत। 4 का क्यूब कर दिए तो क्या हो गया बोलिएगा 64, जो कि मेरा ऊपर साइड लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ कितना हो गया गैप, हो गया 6 का क्यूब 216, ठीक है, 6 का क्यूब 216। उसी प्रकार मैं एक और ट्रायंगल आपके सामने बनाता हूँ इस प्रकार, दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है 16, यहाँ दिया हुआ है 7, इसका अंतर हो जाएगा कितना बोलिएगा 9, इसका क्यूब कितना होगा बोलिएगा 729, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ऊपर में ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मैं अभी बना रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर मैं दिख भी रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपके सामने मैं ये चारों को हल करूँगा, ठीक है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ। देखिए दिख रहा है, बोला गया है 19 को डिवाइड किया जाए क्या 18 से, माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 8 प्लस 72, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। देखिए तो कभी भागा होगा बोलिएगा नहीं होगा। चलिए आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 19 माइनस 18 प्लस 8 इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 8, कोई दिक्कत। यहाँ से ये कट गया कितना हुआ 9, 19 में से 18 गया 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, देखिए दोनों साइड बराबर आ गया 9 इक्वल टू 9, बोलिएगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला गया है बुक को 43 लिखा गया है, बुक को 43 लिखा गया है, ठीक है। चलिए बुक को 43 लिखा गया है, बी इक्वल टू 2, ओ इक्वल टू 15, ठीक है, फिर ओ इक्वल टू 15, उसके बाद के इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। चलिए जोड़िए इसको, जब टोटल ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 43, कोई दिक्कत। उसी प्रकार हम लोग पेन का निकालते हैं, पी का कितना हो जाएगा बोलिएगा 16, ई का कितना हो जाएगा बोलिए, ई का कितना हो जाएगा बोलिएगा 5, एन का हो जाएगा कितना बोलिएगा 14, बोलिए 14 16 30 5 35, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए, दिया हुआ है इनमें से बेजोड़ चुनिए, कौन सा है बेजोड़, मीन्स इनमें से डिफरेंस कौन है। आपके सामने मैं बना रहा हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है, जी होता है कितना पे बोलिएगा 9 पे, नहीं जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे, एस होता है कितना 19 पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताते हैं, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बोलिएगा 2, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4, यहाँ पे बढ़ रहा है 6। चलिए उसी प्रकार हम लोग चेक करते हैं, एस यू बाई ई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना बढ़ा 2, यहाँ पे कितना बढ़ा बताइए 4, यहाँ पे कितना बढ़ा 6, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग देखते हैं बी डी एच एन, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बोलिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 6, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बोलिएगा कितना, यहाँ पे हो रहा है 4, यहाँ पे हो रहा है 6। देखिए तो ये तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बोलिएगा हाँ कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं एन पी टी बी क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे बोलिएगा 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे बोलिएगा कितना बढ़ रहा है बोलिए 4 बढ़ रहा है,
यहाँ पे कितना बढ़ रहा है बताइए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? बोलेगा 20, 6, 26, 2, यहाँ पे 8 मेरा बढ़ रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा, ये मेरा फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है, चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कीजिए। बोला गया है इन में से कौन सा गलत है, ठीक है? चलिए बोलिए, मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, आपके सामने मैं बनाऊँगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, 11, 34, ठीक है, 136, यहाँ पे हो जाएगा 686। बोलिए यहाँ पे गुने 1 + 1 गुने, बोलिए 2 + 1 गुने 3 + 1, कोई दिक्कत? सब जगह गुना है, यहाँ पे भी गुना है। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे जब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हुआ 1 से, यहाँ हुआ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ हो गया 4 से, ठीक है? इस जगह पे मेरा 4 से गुना होगा, तो बोलिए 34 + 6 कितना होगा? 3 × 4 = 12, 120 + 16 = 136 आ रहा है। इसमें हम एक और ऐड करना चाहिए, मेरा होना चाहिए 137। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 यहाँ भी ऐड हुआ, 1 यहाँ भी ऐड हुआ, 1 यहाँ भी ऐड हुआ, मेरे पास गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, सामने आपके बोला गया, देखिए आपके सामने मैं नोट करके बना रहा हूँ, ठीक है? चलिए मैं लिख रहा हूँ, बोलिए बोलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं दिख रहा हूँ? बोलिए, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, मैंने लिख दिया, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है? आप लोग देखते जाइए किस प्रकार सॉल्व होता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे आर 18 पे है, ठीक है, 18 से 2 ऐड किए 20, 20 में 2 ऐड किए हो जाएगा 22, 22 में 2 ऐड किए 24, 24 में 2 ऐड करेंगे कितना होना चाहिए? जेड, जो कि 26 पे होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ से डब्लू में 1 जोड़ें एक्स, एक्स में 1 जोड़ें वाई, वाई में 1 जोड़ें जेड, तो भी के एक पहले कौन होता है? 22 नंबर पे होता है कौन? भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आपके सामने मैं बना रहा हूँ, यदि 24 है, x पे कितना है? x पे बोलेगा 24 है, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 पे a आता है, a में 3 जोड़ेंगे d, d में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए बताइए? 7 में यदि 3 जोड़े तो होना चाहिए मेरे पास j, ऑप्शन नंबर d सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सभी बर्फ पानी है। चलिए बोलिए, सभी बर्फ पानी है, सभी बर्फ क्या है? बोलेगा पानी है, सभी बर्फ पानी है, ठीक है? उसके बाद यह कुछ पानी जूस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर हम ए चेक करते हैं, क्या दिया है? कुछ जूस पानी नहीं है। जब भी मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहे तो निगेटिव बात सही नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया मेरे पास गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है? दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कुछ पानी जूस है, कुछ पानी जूस है, ये तो मेरा स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर दूसरा हम चेक करते हैं, कुछ जूस बर्फ हो सकते हैं क्या? बस से कोई पार्ट टच कर रहा है? बोलिएगा बर्फ से कोई पार्ट मेरा जूस को टच नहीं कर रहा है। जब बर्फ से कोई पार्ट मेरा जूस को टच नहीं कर रहा है तो मेरा संभावना हमेशा सही होती है, संभावना मेरा सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई रिलेशन दोनों में नहीं हो और संभावना व्यक्त किया जाए तो हमेशा सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, बोला गया है डी और सी ई से लंबा है। क्या बोला गया? जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार लिखते जाइए आप लोग। बोला गया है डी सी और ई से लंबा है,
डी जो है सी और ई से लंबा है, कोई दिक्कत? दो प्रोजेक्शन लेकर चलेंगे हम लोग, कोई भी छोटा सा छोटा पजल हो कम से कम दो प्रोजेक्शन हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है? दो गो। चलिए, डी लंबा होना चाहिए सी और ई से। देखिए तो मेरा दोनों स्टेटमेंट में लंबा हो रहा है, बोलिएगा हाँ। ई जितना लंबा नहीं है, मतलब ए ई से छोटा है, ए ई से छोटा है, ए ई से छोटा है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ भी ई बड़ा है, यहाँ भी ई बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया है डी बी जितना लंबा नहीं है, डी बी जितना लंबा नहीं है। देखिए डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, मतलब बी हो गया डी से बड़ा, बी हो गया डी से बड़ा, कोई दिक्कत? मेरा दोनों स्टेटमेंट सही है, मेरा दोनों स्टेटमेंट सही है, किसी प्रकार के कोई गलत नहीं है। चलिए आइए, पूछा क्या गया है, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? मेरा हो गया सबसे लंबा बी, दूसरा नंबर पे डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास सही जवाब। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस जगह पे कौन सा फिगर सेट होगा, इस जगह पे कौन सा फिगर सेट होगा। देखिए पहला लाइन हम देखिए आपको एक एक वर्ड सिखा रहा हूँ, फर्स्ट में इस प्रकार से था, दूसरा में इस प्रकार से, एक लाइन ऐसे आ गया, एक लाइन ऐसे आ गया, उसके बाद तीसरा में जाके जो पहला था उसी प्रकार फिगर बन गया, चार गो बिंदु हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार दूसरा में इस प्रकार से दिया हुआ है मेरे पास फिगर, उसके बाद इस प्रकार से हुआ, उसके बाद बीच में कैसे ऐसे आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद जिस प्रकार शुरू में था उसी प्रकार हुआ और चार ठो गोला आ गया चारों साइड, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, इस प्रकार फिगर दिया हुआ है, ठीक है? इस प्रकार मेरा फिगर दिया हुआ है, उसी प्रकार हम फिगर बनाएंगे, ठीक है? इस प्रकार और बीच से ऐसे ऐसे लाइन कट हो गया, तो जिस प्रकार इधर बना हुआ है उसी प्रकार इस साइड भी बनेगा, कोई दिक्कत? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। और चारों कॉर्नर पे इस प्रकार से बिंदु होना चाहिए। देखिए किस फिगर में बना हुआ है इस प्रकार का, बताइए। बोलिएगा ऑप्शन नंबर कितना, बोलिए ऑप्शन नंबर दो मेरा सही जवाब, दो मेरा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या दिया हुआ आपके सामने बता रहा हूँ। चलिए लिखा गया है इनमें से बेजोड़ कौन है, इनमें से बेजोड़ कौन है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 5720, सॉल्व करके आप लोग बताइए, आप लोग के पास 30 सेकेंड का समय है। चलिए आप लोग का समय पूरा हुआ, चलिए बनाइए, देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, पहला में दिया हुआ है 5720, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहला और तीसरा जोड़कर बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए। चलिए पहला और तीसरा जोड़कर हमको बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए 7। देखिए इसमें आ रहा है, बोलिएगा हाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए इसमें आ रहा है, बोलिएगा हाँ आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, बोलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास सही जवाब। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रोहित राज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग का स्क्रीन पे क्या है दिया गया है, तरंग दैर्ध्य ऊंचाई आवृत्ति दूरी क्या है, बताइए अंतर। इन चारों में क्या है डिफरेंस जो बताइए, आप लोग के सामने दिया हुआ है पिक्चर, चलिए सॉल्व कीजिए। तरंग दैर्ध्य ऊंचाई आवृत्ति, चलिए बताइए तरंग दैर्ध्य ऊंचाई आवृत्ति और दूरी में कौन सा डिफरेंट है, बोलिए। आवृत्ति दूरी हम किस चीज़ में मापा जाता है, बोलिएगा मीटर, बोलिएगा मीटर, ठीक है? मीटर में नापा जाता है जो लंबाई होता है, ठीक है? लंबाई, कोई दिक्कत? बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है ऊंचाई भी लंबाई में नापा जाता है, तरंग दैर्ध्य भी किस चीज़ में नापा जाता है, लंबाई मीटर में, ठीक है? आवृत्ति मेरा किस चीज़ में नापा जाता है, बोलिएगा हर्ट्स में, आवृत्ति हर्ट्स में या सेकेंड में नापा जाता है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए क्या भरा जाएगा, चलिए आप लोग के सामने हम सॉल्व कर रहे हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, आप लोग बताइए। आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है, पहला क्या दिया हुआ है बोलिए। फर्स्ट दिया हुआ है 29, 23, 18, 14 और पूछ रहा है क्या आएगा बताइए। चलिए आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आइए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 29 में से यदि मैं 6 घटाऊँगा 23 हो जाएगा, 23 में से यदि मैं 5 घटाऊँगा 18 हो जाएगा, 18 में से मैं 4 घटाऊँगा 14 हो जाएगा, 14 में से यदि मैं 3 घटाऊँगा तो यहाँ होना चाहिए 11, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप लोग के स्क्रीन पे आ गया, भारत जिस प्रकार एशिया से संबंधित है, इटली कहाँ से संबंधित है बताइए। भारत जिस प्रकार एशिया से संबंधित है, इटली कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा इटली कहाँ से है? यूरोप से है। कोई दिक्कत? इटली यूरोप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। देखिए सिक्किम, सिक्किम का क्या होगा? सिक्किम जिस प्रकार गंगटोक से संबंधित है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार कहाँ से संबंधित है बताइए। चलिए बताइए आप लोग, अंडमान निकोबार कहाँ से संबंधित है? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित बताते हैं आपके सामने, आइए देखिए। चलिए बताइए क्या होगा आपके सामने दिया हुआ है। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर होगा। चलिए यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।